क्या बात है, आपका ये पैशन ऐसे ही जिंदा रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू। बेटा याद से पहुंचकर फोन करना और याद से टाइम पर खाना खा लेना। अच्छा याद से निकलने से पहले फोन करना। हाँ पापा ठीक है, चलो बाय। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी कल की ही बात थी, वो मेरे आगे पीछे घूमती थी, पापा पापा कहते। पापा सॉरी पापा, आपको कॉल करना याद नहीं रहा, पर मुझे ये याद है कि बचपन से आपने अकेले मुझे संभाला है। मुझे ये भी याद है कि आपने मुझे माँ की कमी कभी महसूस ना होने दी, और आज का दिन भी याद है। हैप्पी मदर्स डे पापा।
लवली है। दादा आपसे शुरू करें। अब जब बेटियां बड़ी हो रही ना, ऐसे लग रहा है अभी 12th हो जाएगा, बाहर जाएगी। दादू बेटियां बहुत खास होती हैं। आप कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी लाइफ में त्रास हो, लेकिन घर आते हैं उसके बाद जो निस्वार्थ हग मिलता है ना बच्ची से, बिना किसी मतलब के जस्ट ए वार्म हग, वो तो सबसे बड़ी दवा होती है किसी भी दुख का। रोजा जाने मन, तू दिल की धड़कन, तुझ से नैना। मैं वो हग शायद रोज जो मिस करूंगा बाद। शायद हमारे माँ बाप भी यही फील किए होंगे, जब हम बाहर गए तब हमें नहीं समझ में आया। जब आप खुद माँ बाप बाप बनते हैं ना, आपकी बच्ची जब बड़ी होती है तब आपको समझ में आता है। सिर्फ तेरी आस है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू रोज। मौसमी जी, आपके ही कुछ जो को एक्टर्स और को स्टार्स रहे हैं उनकी कुछ तस्वीरें दिखाते, फिर कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। मैम प्लीज ये देखिए, जैसे ये है, ये हमारे सारे लेजेंडरी एक्टर्स जिनके साथ आपने बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में की हैं। तो सबसे ज्यादा मस्ती खोर कौन थे? मेरे साथ किसी ने पंगा नहीं लिया ना। Biggest prankster was her. Absolutely. So, मुझसे पंगा कोई नहीं लेते थे, but I can only say for my point of view, I'm a very lucky person. I could work with these people. I had a great respect from a long time. That was Sanjeev Kumar. Oh. Because I like his humanity. ये एक एक्टर है जिनके मैं बेटी भी बनी, बीबी भी बनी और भाभी भी बनी। His full name is हरी भाई जरीवाला। I used to always call him हरी भाई जरीवाला। तो बहुत हंसता था। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछने वाला था कि इनमें से लेट कौन आते हैं? लेट आते शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ? हाँ? आपने कब देखा हमें लेट आते हुए? उनको दिखाई भी नहीं देता घड़ी, क्योंकि वो हमेशा ऐसा रहता। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा खूबी है, वो आप एक पेज का डायलॉग दे दो और 14 पेज का डायलॉग दे दो, यूं ही करके वो बोल दे। याद भी याद है मुझे। उसके बाद राजेश खन्ना। सेम, उन दोनों में कंपटीशन हो। राजेश खन्ना 9:30 शिफ्ट में, राजेश खन्ना के साथ जो डायरेक्टर होता था वो आता है 1:30-2 बजे, क्योंकि रात को वो उनके साथ बैठे हुए थे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।